हेलो फ्रेंड्स, आपने बैनर देख लिया होगा, फेल टू प्रोसेस वीडियो, ये ऑप्शन आता है। कभी कभी आपके पास कुछ वीडियोस हैं जिसको आप व्हाट्सएप से शेयर करना चाहते हैं, जैसे ही सेंड करते हैं इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है। हो सकता है आपने यूट्यूब पे और वीडियो सर्च करी हो जिसमें आपको बताया गया हो कि आपको अपना ऐप रिफ्रेश करना है, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। वो इसलिए क्योंकि उनको जो रीज़न है एक्चुअली में नहीं पता है इसका प्रॉपर रीज़न क्या है, किस वजह से ऐसा होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दे, इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं टेक्निकल उसको जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में जब भी आप वीडियो सेंड करते हैं और आपके पास तरह का मैसेज आ जाता है, फेल टू प्रोसेस द वीडियो, आपको लगता है क्या ये वीडियो बड़ी साइज की है इसलिए सेंड नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो बनाते हैं या आपके मोबाइल से बनाई हुई कोई भी वीडियो होती है वो सेंड हो जाती है, या कुछ और वीडियोज होती हैं जो आपने कहीं और से डाउनलोड करके रखी है वो आपकी सेंड हो जाती है, लेकिन कुछ वीडियोस हैं नहीं सेंड हो रही। तो उसका रीजन क्या है पहले मैं बता देता हूँ, फिर पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि मैंने जो बताया है वो एकदम प्रूफ के साथ है और आप भी इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको अब आगे फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि आप जो इस वीडियो को सेंड करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल से उसका रेजोल्यूशन आपके मोबाइल से काफी ज्यादा है। हो सकता है जो पिक्सल है जो कि फ्रेम पर सेकंड होता है वो आपके मोबाइल में भी उतना हो और वीडियो का भी फ्रेम पर सेकंड उतना हो, लेकिन रेजोल्यूशन जो होता है वो काफी हाई हो जो वीडियो आप सेंड करना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप पे जब भी वीडियो को सेंड करते हैं तो उससे पहले वो रेजोल्यूशन और बाकी कुछ क्राइटेरिया और सिक्योरिटी चीजें होती है उसको चेक करता है, कोई भी इमेज प्रोसेस करने से पहले या फिर वीडियो प्रोसेस करने से पहले। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो को बनाते हैं अगर वो 100, 200, 500 MB की भी होती है और जैसे आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका साइज 15-20 या उससे भी कम MB में आ जाता है। कभी इस चीज़ का ध्यान दिखेगा, ऊपर आपको MB में साइज लिख के दिख जाता है जैसे आप वीडियो को सेंड करते हैं। तो होता क्या है, जब आप कोई दूसरी हायर रेजोल्यूशन की वीडियो किसी और से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आईफोन से वीडियो बनाते हैं हायर रेजोल्यूशन पे और आपके पास कोई नॉर्मल सा 15-20 हज़ार का एंड्रॉयड फ़ोन है, जो आईफोन से वीडियो बनाई है उसको आप अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में लेके और व्हाट्सएप से सेंड करेंगे तो हमेशा जो स्क्रीन पर आप मैसेज देख रहे हैं यही आपका आता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास वो हायर रेजोल्यूशन का मोबाइल है या DSLR है जिसके थ्रू आप वीडियो बनाते हैं और बाद में व्हाट्सएप से सेंड करना चाहते हैं तो DSLR तो नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप सेंड, लेकिन अगर हायर रेजोल्यूशन का आपके पास मोबाइल है तो आप उसी मोबाइल का यूज करिए और व्हाट्सएप उसमें इंस्टॉल करके डायरेक्टली जब आप उसमें से वीडियो सेंड करेंगे वही वाली जो आपने अपने एंड्रॉयड में ट्रांसफर कर रखी है वो नॉर्मल तरीके से व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉयड से करेंगे तो रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम की वजह से वो बार बार यही एरर आपको देता रहेगा, लेकिन अगर आप उससे एंड्रॉयड फोन से जो भी वीडियो बना रहे हैं या बनाई है उसको सेंड करेंगे वो सेंड होती रहे। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये एंड्रॉयड फोन है तो इसमें मैंने एक आईफोन की वीडियो डाली। मैंने देखिए ये आईफोन है, मैंने इसके थ्रू एक वीडियो बनाई जो कि हायर रेजोल्यूशन पे बनाई थी और 1080 पिक्सल पे बनाई थी। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, जब वीडियो को सेंड करते हैं तो इस तरह का मैसेज आ जाता है, फेल टू प्रोसेस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इफ यू कीपिंग सीइंग दिस मैसेज प्लीज रीस्टार्ट योर फोन। रीस्टार्ट कर लीजिए, ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, डेटा क्लियर कर लीजिए, कैचे क्लियर कर लीजिए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आती रहेगी जब तक आप सेम रेजोल्यूशन का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे वीडियो को बनाया गया था, या फिर आपका जो मोबाइल है वो उस रेजोल्यूशन से ज्यादा कहो जिससे वीडियो बनाई गई है, तभी वो वीडियो सेंड हो पाएगी आपके मोबाइल से। तो देखिए इस तरह का मैसेज आता है और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ, जिससे आप श्योर हो जाए और आगे फ्यूचर में जब भी वीडियो को सेंड करें तो आपको पता रहे कि क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन में आ गए हैं वीडियो के, यहाँ पे दो वीडियो पड़ी है, उनका साइज भी आप देख सकते हैं और साइज में आप वीडियो के नेम के आखिरी में देखिए .mov लिखा है। तो आईफोन से जो भी वीडियोज बनाते हैं वो MOV फॉर्मेट में सेव होती हैं और इसका साइज, और मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार डिटेल्स में जाके दिखा देता हूँ, ये मैंने ट्रांसफर करी थी और ये देख सकते हैं फोन स्टोरेज में 107 MB की ये वीडियो है और 8270 का साइज है और दूसरी वाली का साइज भी यहाँ 63 MB लगा है। तो दूसरी वाली का जो साइज है वो वीडियो मैं आपको इस मोबाइल से जो एंड्रॉयड फोन है जिसकी स्क्रीन आप अभी देख रहे हैं इससे मैं सेंड करके दिखाता हूँ। वीडियो जब सेंड करेंगे तो अलर्ट आ जाएगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वीडियो को और सेंड पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे शेयर करते हैं। तो हो सकता है अदर प्लेटफॉर्म पे भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए, जहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स होंगे वहाँ पे आपको इस तरह से प्रॉब्लम आएगी कोई भी वीडियो अपलोड करने की जो आपके मोबाइल से हाई रेजोल्यूशन पे बनी है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक काफी ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ सेंड करते हैं।
देखिए यहाँ पे सेंडिंग अभी नहीं होगी, देखिए सेंड करना है। और जो मैंने अभी आपके सामने साइज की बात करी थी, तो मैंने आपको दिखाया 63 MB की वीडियो थी, और ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक में सिर्फ 10 MB हो गया है, 63 MB। लेकिन ये वीडियो जब भी सेंड नहीं होगी, देखिए यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी जो अलर्ट है वो आ जाएगा। देखिए तो वीडियो सेंड हो रही थी, ये देखिए फेल टू प्रोसेस वीडियो, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इफ यू कीप सीइंग मैसेज प्लीज रिस्टार्ट ऑफ योर फोन। तो रीस्टार्ट करिए, रिफ्रेश करिए, क्लैचे क्लियर करिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका सोल्यूशन ये नहीं है बिल्कुल फ्रेंड्स। अगर आपने और वीडियो देखी है तो देख देख के सिर्फ परेशान होते रहेंगे, उसमें आप बार बार ऐप को इंस्टॉल अनइंस्टॉल ये करते रहेंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, वो वीडियो आप सेंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यही है, या तो उस वीडियो को भी अपने मोबाइल में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू फिर से रिकॉर्ड करें, या तो फिर आप उस मोबाइल से उसको सेंड करें जिसका रेजोल्यूशन जो वीडियो के रेजोल्यूशन से ज़्यादा हाई हो। तो अब मैं आपको ये वीडियो आपने देख ली, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा आईफोन की, सेम वीडियो को मैं व्हाट्सएप में आईफोन के सेंड करूंगा और वो वीडियो एक बार में सेंड हो जाएगी। तो इससे आप श्योर हो जाएंगे वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ रेजोल्यूशन का मैटर होता है जिसकी वजह से इस तरह का अलर्ट आता है। तो अब आप मेरी आईफोन की स्क्रीन देखिए, जिसमें बहुत ही ईजिली सेम वीडियो सेम साइज बहुत ही आराम से व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप मेरे आईफोन की स्क्रीन अब देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे देखिए दो वीडियोस हैं, और वीडियो में ये वीडियो थी जिसको मैं सेंड कर रहा था, जिसका साइज 63 MB था और सेंड नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 63 MB यहाँ लिखा हुआ है, ये सेम वीडियो है और 1080 पिक्सल पे है, लेकिन रेजोल्यूशन हाई होता है जो भी आईफोन की वीडियोज होती हैं। अब इस वीडियो को मैं सेम ग्रुप पे दोबारा से सेंड करूंगा तो आप देखेंगे एक क्लिक पे ये वीडियो जो है सेंड हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसी मोबाइल से वीडियो को बनाया गया था, इसका रेजोल्यूशन भी हाई है, जब सिक्योरिटी चेक होता है उसमें मैच हो जाता है। और एक बार में आपकी इस तरह की जो भी वीडियो होगी जिसको आप दूसरे फ़ोन से या अपने फ्रेंड से ले रखा है नहीं सेंड हो पा रही, वो ईजिली सेंड हो जाएगी। उसके लिए आपको या तो सेम फ़ोन चाहिए या तो उससे हायर रेजोल्यूशन वाला फ़ोन चाहिए जिसमें आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और उसमें कोई भी वीडियो को सेंड कर पाए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो है, यहाँ पर शेयर पर जाएंगे और शेयर पर जाने के बाद ये व्हाट्सएप पर आएंगे, और सेम वीडियो को इसीलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, दोनों मोबाइल में मैंने सेम वीडियो को रखा है। और फ्रेंड्स जब तक ये प्रिपेयर हो रहा है मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो रेजोल्यूशन जिसका हाई होता है उस वीडियो को जब आप लोअर रेजोल्यूशन वाले फ़ोन में प्ले करेंगे जिसमें से व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो पाती, तो वो जो वीडियो है बहुत अटक अटक के चलती है, स्लो होती है, हैंग करती है। तो इससे भी पता चल जाता है कि वो उस वीडियो का रेजोल्यूशन हाई है, इस वजह से वो व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो रही। तो यहाँ देखिए सेकेंड वाला ग्रुप है, यहाँ पर टिक करा और नेक्स्ट पर क्लिक करा, 63 MB का साइज़ है, देखिएगा यहाँ भी साइज कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड में 10 MB हो गया था और यहाँ पे देखिए 63 MB का साइज जो है वो 6.8 MB रह गया है सिर्फ, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब बस आपको यहाँ पे सेंड पे बटन पे क्लिक करना है, लेकिन इसमें एक बार में सेंड हो जाएगी तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे और सेंड करते ही देखिए प्रिपेयरिंग हो रहा है और ये सेंड हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी अलर्ट एरर नहीं आएगा। देखिए प्रिपेयर हो रहा है और सेंडिंग फ्रेंड सेंडिंग 1 of 1 हो रहा है और ये देखिए सेंड हो गई है। सेंड होते ही ये स्क्रीन क्लोज हो जाती है क्योंकि मैंने यहाँ से सेंड करा था। अब मैं व्हाट्सएप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे जो मैंने अभी ग्रुप में सेंड करा है वो वीडियो सबसे लास्ट में होगी। तो ये देखिए सबसे लास्ट में वो वीडियो आ रही है। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स सेम वीडियो को कैसे आपको सेंड करना है, बहुत ही ईजी है, बस रेजोल्यूशन का मैटर होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपका रेजोल्यूशन हाई होगा मोबाइल का, फिर आप किसी से भी वीडियो लेंगे, कोई भी DSLR की भी वीडियो होगी, आप नॉर्मल अपने फ़ोन से व्हाट्सएप जिसमें इंस्टॉल कर रखा है सेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपने ऐसी वीडियो ली जो आपके मोबाइल से ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन पे है, तो इस तरह का जो अलर्ट आता है फेल टू प्रोसेस वीडियो वाला वो आता रहेगा। और आप जो भी ट्राई करते हैं, जो भी अगर अदर्स वीडियो पे ऑप्शंस बताए गए हैं कि कैचे क्लियर कर लो, री इंस्टॉल कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, तो ये आप करते रहेंगे लेकिन कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इस तरह की जो भी अपडेट्स होती हैं टेक्निकल उनके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।